हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में। और आज है 8 सितंबर। आज हम देखेंगे 8 सितंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप लोग कहते हैं कि वीडियो को सब्सक्राइब करने के बाद भी आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलती है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ आपको बेल आइकन भी दबानी है ताकि आपको हमारे वीडियो जब भी अपलोड किए जाएँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है, और टाइम पर आप उसको देख पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों को। आज का पहला सवाल है, हाल ही में किस देश ने मून स्नाइपर लैंडर स्लिम सफलतापूर्वक लॉन्च कर लिया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जापान ने। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि भारत ने हाल ही में चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च करके विश्व भर में अपने उपलब्धि की परचम लहरा दी है, तो इसी अनुक्रम में अब जापान ने भी मून स्नाइपर लैंडर स्लिम को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है जो चंद्रमा के अध्ययन को दर्शित करेगा, ठीक है। और जापान कौन सा देश बन जाएगा दोस्तों, मून स्नाइपर भेजने वाला या मून के अध्ययन के लिए कोई मिशन भेजने वाला, यह बन जाएगा पांचवां देश। जापान ने घरेलू स्तर पर विकसित HIIA रॉकेट का उपयोग करके अपनी चंद्र अन्वेषण अंतरिक्ष यान को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है जिसे मून स्नाइपर के रूप में जाना जाता है। यह उपलब्धि जापान को चंद्रमा पर उतरने वाला दुनिया का पांचवा देश बनाने के लिए दावेदार के रूप में खड़ा करती है, जिसकी लैंडिंग अगले साल की शुरुआत में करने की योजना है। तो आप लोग याद रखिएगा, जापान के चंद्रयान मिशन को क्या नाम दिया गया है, मून स्नाइपर। बात कर लेते हैं जैक्सा की, जिसके द्वारा मून स्नाइपर को लॉन्च किया गया है। जैक्सा का फुल फॉर्म होता है जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ श्री हरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थापित है जिसके द्वारा हमारे यहाँ मिशन को लॉन्च किया जाता है, उसी तरह जो जैक्सा है वो जापान की एरोस्पेस एजेंसी है और सारे मिशन को वही लॉन्च करती है। इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 2003 को। इसके प्रेसिडेंट कौन है दोस्तों, यहाँ पे ये राष्ट्रपति लिखा है, यहाँ पे राष्ट्रपति नहीं बल्कि अध्यक्ष होगा, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन है इस एजेंसी के, जैक्सा के, तो इसके अध्यक्ष हैं यामाकावा हिरोशी। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय है चोफू टोक्यो जापान में। तो इसे आप लोग याद रखिएगा, कौन सा मिशन है, मून स्नाइपर जापान का। बात करें जापान की तो इसकी राजधानी है टोक्यो, एम्परर है नरुहितो, प्रधानमंत्री हैं यहाँ के फुमियो किशिदा और मुद्रा है यहाँ के जैपनीज येन। तो आप लोग इन फैक्ट्स को भी याद रखिएगा। दोस्तों, जैसा कि आपको बताया जा रहा है कि जनवरी से अगस्त तक की अपडेटेड करंट अफेयर्स की PDF आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक देकर अपलोड की जा चुकी है और इस PDF के अंतर्गत सभी करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज डिस्कस करके उसके बाद प्रैक्टिस सेट के लिए 800 से ज़्यादा MCQ का संग्रह किया गया है। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक करके इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको वहाँ पे कोई दिक्कत आती है PDF डाउनलोड करने में या और भी किसी प्रकार की दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है तो आप इस दिए गए WhatsApp नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, इस PDF को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में खरीदें क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, स्पेशली आपके एग्जाम टाइम में रैपिड रिवीजन के लिए ये बहुत ही काम आती हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में 48वां टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहां शुरू किया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, कनाडा में। 38वां टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल यानी TIFF 7 सितंबर को कनाडा में शुरू किया गया। भारत 38वें TIFF में सक्रिय रूप से भाग लेगा जो 7 सितंबर से 17 सितंबर तक चलेगा और अपनी प्रतिभा सामग्री और मनोरंजन उद्योग को उजागर करेगा। TIFF में भाग लेने वाले आधिकारिक भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व सूचना और प्रसारण मंत्रालय के संयुक्त सचिव, जो फिल्म के विभाग के संयुक्त सचिव हैं पृथुल कुमार, ये भारत का नेतृत्व करेंगे। तो इसे आप लोग याद रखिएगा, ये कौन सी सीरीज़ है, 48th टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है जो कनाडा में शुरू की जा रही है। बात करें TIFF की तो इसका स्थापना हुई थी 1976 में और यह विश्व के सबसे प्रतिष्ठित और सार्वजनिक रूप से भाग लेने वाले सबसे बड़े फिल्म समारोहों में से एक है। यह प्रतिवर्ष सितंबर में कनाडा में मनाया जाता है। इसका मुख्यालय डाउनटाउन टोरंटो में TIFF बेल लाइट बॉक्स सांस्कृतिक केंद्र में स्थित है।
2022 में यह उत्सव 8 से 18 सितंबर तक संपन्न हुआ था, जिसमें कैमरून बेली कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्य किए थे। तो दोस्तों इसे आप लोग याद रखिएगा, इस बार कनाडा में आयोजित किया जा रहा है, ठीक है। बात करें कनाडा की तो इसकी राजधानी है ओटावा, इसके सम्राट हैं चार्ल्स तृतीय, गवर्नर जनरल हैं मैरी साइमन और प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो, मुद्रा है यहाँ की कैनेडियन डॉलर। देख लेते हैं कुछ अन्य प्रमुख उत्सवों एवं त्योहारों को जो 2023 में मनाए गए हैं। बोगाह बिहू 2023 कहाँ मनाया जाता है, तो यह असम में मनाया जाता है। ऑरेंज फेस्टिवल 2023 कहाँ से संबंधित है, तो यह नागालैंड राज्य से संबंधित है। इसके बारे में आपको मैंने डिटेल में भी पहले बताया है कि ये किन किन चीज़ों के लिए मनाया जाता है, इसके मनाए जाने का उद्देश्य क्या होता है, रीज़न क्या होता है, तो इसलिए आप लोग उसको भी याद रखते रहिए। आप उन वीडियोस को दोबारा से देख लीजिए जिसमें मैंने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था। तो रग्या उत्सव 2023 कहाँ मनाया गया था, तो यह अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2023 कहाँ मनाया जाता है, तो यह गुजरात में मनाया गया था। तो इन त्योहारों और उत्सवों को आप याद रखिएगा, एग्जाम में ये भी पूछते जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 7 सितंबर को। दोस्तों नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु का अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष 7 सितंबर को मनाया जाता है, और इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत हुई थी 2020 में, और सबसे पहले 2019 में यूएन महासभा द्वारा इसको घोषित किया गया था, ठीक है। और इस वर्ष की जो थीम है वह क्या है, टुगेदर फॉर क्लीन ईयर, और ये चौथा एनुअल इंटरनेशनल प्रोग्राम है, ठीक है, इंटरनेशनल डे मनाया जा रहा है इस बार। नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु का अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष 7 सितंबर को मनाया जाता है। यह दिवस लोगों की भलाई और दैनिक जीवन के लिए स्वच्छ हवा के महत्वपूर्ण महत्व को पहचानने के लिए समर्पित है। इसकी थीम क्या है दोस्तों, तो इसकी थीम है इस बार टुगेदर फॉर क्लीन ईयर, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। यह अंतर्राष्ट्रीय दिवस है जो चौथी बार मनाया जा रहा है, और इस कौन सा दिवस है, नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में अगर हम बात करें, तो इसकी शुरुआत कब की गई थी, 22 जनवरी 2020 को, जैसा कि मैंने बताया, और प्रतिवर्ष 7 सितंबर को यह दिवस मनाया जाने लगा। संयुक्त राष्ट्र सभा 74वें सत्र की दूसरी समिति ने 26 नवंबर 2019 को यह प्रस्ताव पारित किया था। इस दिन का उद्देश्य वायु गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए जागरूकता और कार्यों को बढ़ावा देना है, ठीक है, और इसके माध्यम से राष्ट्रों के मध्य में वायु की क्वालिटी में सुधार करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता बढ़ाना और उसके लिए नए नए कदमों की पहल करना है। देख लेते हैं सितंबर माह में मनाए जाने वाले कुछ अन्य प्रमुख दिवसों को। 2 सितंबर को मनाया जाता है विश्व नारियल दिवस, 3 सितंबर को मनाया जाता है गगनचुंबी इमारत दिवस, 5 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस, और 8 सितंबर को मनाया जाता है विश्व साक्षरता दिवस। इन दिवसों को आप लोग याद रखिएगा, और जैसे जैसे ये दिवस आते जाएं आप उनकी थीम एक लाइन में देख के उन्हें लिख के नोट डाउन करके रख लीजिए, ताकि आपको बाद में रिविज़न करने में आसानी रहे। अगला सवाल है, हाल ही में बैली गिफोर्ड पुरस्कार के लिए किसे नामांकित किया गया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी डॉक्टर सिद्धार्थ मुखर्जी को। दोस्तों ये हैं सिद्धार्थ मुखर्जी, जो बाय प्रोफेशन एक डॉक्टर हैं, और बैली गिफोर्ड अवार्ड को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसे जाना जाता है सैमुअल जॉनसन प्राइज के नाम से, ठीक है। सैमुअल जॉनसन प्राइज जो है यह किस से संबंधित है, तो यह एक ब्रिटिश बुक प्राइज होता है जो बेस्ट नॉन फिक्शन राइटिंग इन इंग्लिश लैंग्वेज के लिए दिया जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1999 में हुई थी, और ये नॉन फिक्शन स्टोरी क्या होती है, तो मैं आपको बता दूँ, नॉन फिक्शन स्टोरी वो होती है जिसमें गैर काल्पनिक व अकाल्पनिक लेखन के बारे में बात की जाती है, मतलब केवल वास्तविक दुनिया के बारे में जानकारी देने का प्रयास किया जाता है। और नॉन फिक्शन राइटिंग का उद्देश्य सामान्य तौर पर ऐतिहासिक, वैज्ञानिक और अनुभवजन्य जानकारी के आधार पर विषयों को निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत करना है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। नॉन फिक्शन स्टोरी क्या होती है मैंने आपको बता दिया, नॉन फिक्शन राइटिंग क्या होती है, और यह किससे संबंधित प्राइज़ है, तो यह ब्रिटिश बुक प्राइज़ होता है, और जिसे हम सैमुअल जॉनसन प्राइज़ के नाम से जानते हैं। भारतीय अमेरिकी चिकित्सक और कैंसर शोधकर्ता डॉक्टर सिद्धार्थ मुखर्जी को लंदन में नॉन फिक्शन के लिए बैली गिफोर्ड पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है।
उनकी पुस्तक द सॉन्ग ऑफ द सेल एन एक्सप्लोरेशन ऑफ मेडिसिन एंड द न्यू ह्यूमन लंबी सूची के लिए चुनी गई 13 पुस्तकों में से एक है। इसमें दिए गए देख लेते हैं कुछ प्रमुख पुरस्कारों को जो आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया? रतन टाटा जी को। रेमन मैक्सेसे पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? दलाई लामा को। सरस्वती सम्मान 2023 से किसे नवाजा गया? शिवशंकरी को। फेमिना मिस इंडिया का खिताब किसने जीता है? नंदिनी गुप्ता ने जीता है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए और इनका बार बार आप रिविज़न करते रहिएगा। अगला सवाल है, हाल ही में किसने सुपर प्रीमियम कार्ड ऑरम लॉन्च किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, SBI कार्ड ने। भारत के सबसे बड़े क्रेडिट कार्ड जारीकर्ता SBI कार्ड ने अपने सुपर प्रीमियम कार्ड ऑरम की नई विशेषताएं लॉन्च की हैं जो समाज के प्रीमियम वर्ग जैसे हाई नेट वर्थ वाले व्यक्तियों के लिए है। इस वृद्धि के साथ ऑरम कार्ड धारक अपने खर्च के आधार पर सालाना 2 लाख रुपये तक का लाभ उठा सकेंगे। इस कार्ड को कब लॉन्च किया गया था दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं कि यह फरवरी 2021 में लॉन्च किया गया था और अब इसमें कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स जोड़ दिए गए हैं जिसके आधार पर इसमें जो ऑरम कार्ड धारक होंगे वो अपने खर्च के आधार पर सालाना 2 लाख रुपए तक का लाभ उठा सकेंगे। तो इससे आप लोग याद रखिएगा किसने जारी किया है, तो यह SBI कार्ड ने जारी किया है। बात करें SBI कार्ड की तो इसका मुख्यालय है गुरुग्राम में। इसके CEO है राम मोहन राव अमारा। इसका मूल संगठन कौन है, तो यह है भारतीय स्टेट बैंक और इसकी स्थापना हुई थी अक्टूबर 1998 में। नेक्स्ट है, हाल ही में दूरसंचार विभाग के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, नीरज मित्तल को। ये है नीरज मित्तल जी, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा नीरज मित्तल को दूरसंचार विभाग में सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। नीरज मित्तल 1992 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी हैं। वह वर्तमान में तमिलनाडु के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में प्रमुख सचिव के रूप में कार्यरत हैं। तो इन्हें आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। देख लेते हैं 2023 में की गई कुछ अन्य प्रमुख नियुक्तियों को। भारतीय तटरक्षक बल महानिदेशक 25वें महानिदेशक कौन है, तो राकेश पाल हैं। नेशनल कैडेट कोर उप महानिदेशक कौन है, या VM रेड्डी हैं। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री के रूप में कौन है, तो यह TS सिंह देव हैं। गिफ्ट सिटी लिमिटेड के नए अध्यक्ष कौन हैं, तो यह हसमुख अधिया हैं। तो इन अपॉइंटमेंट्स को आप याद रखिएगा और इनका बार बार रिविजन करते रहिएगा। अगला सवाल है, हाल ही में कहाँ की पुलिस ने वरिष्ठ नागरिकों की सहायता के लिए सवेरा योजना शुरू किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, प्रयागराज। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में पुलिस ने वरिष्ठ नागरिकों की सहायता के लिए सवेरा योजना शुरू किया है जो बुजुर्गों के जीवन में उजाला लेकर आएगा। प्रयागराज पुलिस ने अपने समुदाय में वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने की दिशा में एक सक्रिय कदम उठाया है। उन्होंने हाल ही में सवेरा योजना शुरू की है जिसका उद्देश्य प्रयागराज जोन के भीतर 7 जिलों में रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य और अन्य आपात स्थितियों के दौरान आवश्यक सेवाएं प्रदान करेगा। पिछले 3 दिनों में 700 से अधिक वरिष्ठ नागरिकों ने इस हेतु पंजीकरण कराया है। अच्छा, ये तो हो गई बात कि सवेरा योजना के अंतर्गत क्या चीज़ें हैं, क्या इसका उद्देश्य है, बट इसमें काम कैसे करेंगे। तो जो सवेरा योजना के अंतर्गत 112 UP पुलिस नंबर पर कॉल करके जितने भी बुजुर्ग हैं वो अपना पंजीकरण करा सकते हैं और इस पंजीकरण के बाद यदि किसी बुजुर्ग को सुरक्षा संबंधी कोई भी मदद की ज़रूरत होती है तो संबंधित थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर उस बुजुर्ग को सहायता प्रदान करेगी। तो इसे आप लोग याद रखिएगा, सवेरा योजना किसने लॉन्च की है, प्रयागराज पुलिस ने। देख लेते हैं कुछ अन्य राज्यों की प्रमुख योजनाओं को। प्लास्टिक दो सोना लो किससे संबंधित है, जम्मू कश्मीर राज्य से। एक जिला एक खेल योजना किससे संबंधित है, तो यह उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। मुख्यमंत्री ग्राम साड़ी योजना किसके द्वारा लॉन्च की गई है, तो यह झारखंड राज्य द्वारा लॉन्च किया गया था। नारी को नमन योजना किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो यह हिमाचल प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया था। देख लेते हैं अगले सवाल को, भारत की पहली सोलर सिटी कौन सी बनेगी, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सांची। दोस्तों, मध्य प्रदेश का सांची सिटी पहले सोलर सिटी बनने को तैयार है। देश की पहली सोलर सिटी के रूप में मध्य प्रदेश के सांची शहर को स्थापित किया गया है जिसका उद्घाटन राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया है। सांची सोलर सिटी में सालाना लगभग 13,747 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन कम होगा जो 2 लाख से अधिक वयस्क पेड़ों की क्षमता के बराबर है।
गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2070 तक देश के हर राज्य में एक सोलर सिटी विकसित करने का संकल्प लिया है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा क्योंकि ये पहली बार हो रहा है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देश की पहली सोलर सिटी के रूप में कौन सी सिटी जानी जाएगी, तो यह मध्य प्रदेश की सांची सिटी जानी जाएगी। बात करें मध्य प्रदेश की तो इसकी राजधानी है भोपाल, मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल, यहाँ से लोकसभा सीट है 29 और राज्यसभा सीट है 11। अगला सवाल है 19वें एशियाई खेलों के लिए भारतीय दल के ऑफिशियल स्पॉन्सर के रूप में किसे नामित किया गया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अमूल। हांगझू चीन में आयोजित होने वाले 19वें एशियाई 2022 खेलों के लिए भारतीय दल के ऑफिशियल स्पॉन्सर के रूप में अमूल को नामित किया गया है। 19वें एशियाई खेल 23 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 तक आयोजित किए जाएंगे। यह एशियन गेम्स 2022 में 40 खेलों में 482 इवेंट में कराए जाने का संकल्प था, जो 2023 में कराया जा रहा है क्योंकि 2022 में कोविड-19 के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। और इसे प्रत्येक 4 वर्ष पर आयोजित किया जाता है। और एशियन गेम को हम और किस नाम से जानते हैं, तो एशियन गेम को एशियाड के नाम से भी जाना जाता है। इसका उद्देश्य है एशिया महाद्वीप में विभिन्न खेलों का आयोजन करना। और पहला गेम कब आयोजित किया गया था, तो यह 1951 में न्यू दिल्ली यानी भारत में आयोजित किया गया था। तो इन फैक्ट्स को आप लोग याद रखिएगा। आज का आखिरी सवाल है, भारत के पहले UPI ATM को किस पेमेंट सर्विसेज द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी हिताची पेमेंट सर्विसेज। भारत के पहले UPI ATM को हिताची लिमिटेड की सहायक कंपनी हिताची पेमेंट सर्विसेज ने लॉन्च कर दिया है। हिताची पेमेंट सर्विसेज ने NPCI यानी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से इसे लॉन्च किया है। UPI ATM कार्ड रहित नकद निकासी की सुविधा प्रदान करता है, जिससे फिजिकल डेबिट या क्रेडिट कार्ड ले जाने की आवश्यकता नहीं होती है। UPI ऐप की मदद से यूजर अपने कई बैंक में सर्विसेज को ले सकते हैं। तो इसे आप लोग याद रखिएगा, भारत के पहले UPI ATM को किसने लॉन्च किया है, हिताची लिमिटेड ने लॉन्च किया है। अब देख लेते हैं अपने 7 सितंबर के ऑलराउंडर रिवीजन को फटाफट। हाल ही में किसे नैसकॉम का नया चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। इसका सही जवाब है राजेश नाम्बियार। हाल ही में किस राज्य ने संबल योजना का शुभारंभ किया है, हिमाचल प्रदेश ने। हाल ही में भारत ने ISSF विश्व चैंपियनशिप 2023 में कौन सा स्थान हासिल किया है, तीसरा स्थान। हाल ही में किसकी पुस्तक फायर ऑन द गैंगेज का विमोचन किया है, राधिका अयंगर के। हाल ही में किसने 2023 टाटा स्टील शतरंज इंडिया महिला रैपिड टूर्नामेंट में जीत हासिल की है, दिव्या देशमुख ने। हाल ही में कहां भारत ने दुनिया के पहले पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री क्यूब का अनावरण किया है, गुजरात में। हाल ही में किस देश की संसद ने सातो किलमैन को प्रधानमंत्री के रूप में चुन लिया है, वानू आतू के। हाल ही में कौन पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेटर बनेंगी, डेनियल मैकगेही। हाल ही में किसने मालवीय मिशन का शुभारंभ किया है, तो यह किया है श्री धर्मेंद्र प्रधान ने। हाल ही में किसने मध्य रेलवे के प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक के रूप में कार्यभार संभाला है, श्याम सुंदर गुप्ता ने। दोस्तों ये थे हमारे आज के ऑलराउंडर रिवीजन, और अब देख लेते हैं आज के प्रश्न को। हाल ही में किसे नैसकॉम का नया चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। ऑप्शन दिए गए हैं, आप अपना सही जवाब कमेंट सेक्शन में भेजते रहें। और यदि आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।